नमस्कार यूट्यूब चैनल एन यूनिवर्स डबल टू में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लो कार्बन स्टील के बारे में। जैसे नाम से ही पता चलता है, लो कार्बन, इस टाइप के स्टील में जो कार्बन की कंपोजिशन है या कार्बन परसेंटेज है वो कम रहती है, जो 0.15% से 0.30% के बीच में रहती है। लो कार्बन स्टील एक प्लेन कार्बन स्टील का टाइप है और इसे ही हम माइल्ड स्टील कहते हैं। और इस टाइप के स्टील को प्रोड्यूस करते समय ज़्यादा खर्च भी नहीं होता। कह सकते हैं कि जो लो कार्बन स्टील की जो प्रोडक्शन होती है वह लेस एक्सपेंसिव होती है और यह एक चीपेस्ट इंजीनियरिंग मटेरियल है। और जब भी हम स्टील को स्टडी करते हैं, सिर्फ एक बात का ध्यान हमेशा रखें कि अगर स्टील के अंदर कार्बन कंटेंट को बढ़ा दिया जाए तो उसकी हार्डनेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और इसके अपोजिट उसकी डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, मशीनेबिलिटी, टफनेस वो कम हो जाती हैं। तो इस केस में जो कार्बन कंटेंट है वो कम है और यही कारण है कि यह वेरी डक्टाइल मटेरियल है, सॉफ्ट मटेरियल है और एक वीक मटेरियल है और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ और हार्डनेस कम है। टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी तकरीबन 415 से 515 मेगापास्कल तक होती है। इसकी मशीनेबिलिटी और वेल्डेबिलिटी बड़ी अच्छी है, लेकिन कम कार्बन कंटेंट होने के कारण हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस के लिए यह अनरिस्पॉन्सिव है। बात करते हैं कि किस किस फॉर्म में इस टाइप का यह जो स्टील है हमें अवेलेबल होता है। सीट की फॉर्म में, प्लेट की फॉर्म में, स्क्वायर फॉर्म, राउंड फॉर्म या वायर की फॉर्म में यह अवेलेबल होता है। अब बात करते हैं कि इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। इस टाइप के स्टील को जनरल पर्पज़ के लिए प्रयोग करते हैं जहाँ हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं होती, जैसे वायर रोड, थिन सीट, नेल, नट, बोल्ट, स्क्रू, वाशर, बॉयलर प्लेट, ऑटोमोबाइल बॉडी सीट, बीम, चैनल इत्यादि। तो इन सभी केसेस में अगर हम देखें कि ये कुछ ऐसे पार्ट हैं जो जनरल पर्पज़ के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने बात की लो कार्बन स्टील के बारे में। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीडियम कार्बन स्टील के बारे में। और लो कार्बन स्टील एक मोस्ट वर्साटाइल स्टील भी है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स डबल टू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।